निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर पूरे बिहार भ्रमण के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर के बोचहा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने कहा कि जब लालू यादव अपनी बदौलत मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मल्लाह का बेटा क्यों नहीं। मुकेश सहनी ने एक बार फिर सभी लोगों के हाथ में गंगाजल देकर शपथ दिलवाया कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कहा है कि हमने मुजफ्फरपुर के बोचहा और कुढ़नी में बता दिया है कि हमारी क्या ताकत है। हमारी सिर्फ एक मांग है, आरक्षण। अगर आरक्षण केंद्र सरकार दे देगी तो हम उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण देने का काम मोदी जी का है। अगर उन्होंने आरक्षण नहीं दिया तो इस बार उन्हें हमारा समाज वोटों से वंचित कर देगा। हम जिनके साथ रहेंगे वो यूपी बिहार में 60 सीट जीतेंगे, अन्यथा वो हारेंगे। हमारी लड़ाई तो एक ही है कि इस आजाद भारत में हमें मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, हमें अभी गुलामी नहीं करना है। इसलिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो सिर्फ दो काम करना है। वो क्या? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाई के काबिल बनाइए। और दूसरा, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। संगठित होकर संघर्ष कीजिएगा तो निश्चित तौर पर जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में पिछले 5 महीना से संकल्प यात्रा निकला हुआ है। पहले रथ के माध्यम से हुआ, उसके बाद हर घर संकल्प अभियान के तहत और अभी हेलीकॉप्टर के तहत 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 14वां जनसभा मुजफ्फरपुर में बोचहा में किया गया है। समाज को एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाला समय में 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण एससी का मिल रहा है, तो यूपी बिहार झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं समाज को। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर में माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर बाबा केवल महाराज को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट अपने नेता अपने पार्टी के कहने से गिराएंगे और आने वाला समय में हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, समाज में भाईचारा लाएंगे, समाज में सबको शिक्षित करेंगे और समाज में एकता के साथ अपने हक अधिकार के लिए अपने पार्टी के वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे तो हमेशा मुजफ्फरपुर में हमेशा हमें लोगों ने मदद किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सभी ने आपने देखा था 2022 में जब बोचहा में लोगों ने जबरदस्ती अपना प्रत्याशी दे दिया तो हमने भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय ले लिया और हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। भले हम चुनाव हार गए लेकिन हमने अपनी ताकत का एहसास पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को दिखा दिया कि निषाद का बेटा जहाँ है वहीं पे वोट है। अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाके दिखा दिया और एक तरफ एनडीए गठबंधन ने चार चार पार्टी मिलाकर 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे वही सीट को भाजपा को 37,000 वोट से हारना पड़ा। ये बात सिद्ध हो गया कि बिहार में वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, जनाधार है। तो आने वाला समय में 2024 का चुनाव है, हमारी लड़ाई है कि आरक्षण चाहिए। ये काम मोदी जी का है, मोदी जी आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पर सही है, नहीं देंगे तो आने वाला समय में यही समाज जो है उनको वोट से बहिष्कार करेगा और आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़कर चाहेंगे जो सरकार हमारा काम नहीं कर सके ऐसे सरकार को बदलने का काम करेंगे साथियों। तो आने वाला समय में 24 के लिए गठबंधन होगा
अभी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, आप सभी को जानकारी देंगे। अभी तो हम इंतजार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, वही है, समाज को आरक्षण दे सकते हैं, अभी इंतजार करें कि वो आरक्षण दे। शीतकालीन सत्र भी है, हम शीतकालीन सत्र में हमारी बातें हुआ है कि जल्द से जल्द आप आरक्षण लागू कीजिए, अगर आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो हम दूसरा कुछ निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों ने देख लिया, आने वाला समय में ये निषाद समाज 10% है, ये जिनके साथ रहेंगे वो बिहार में, यूपी, झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। अगर हम लोग जिनको अपना दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। साथियों,